हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अपनी यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 90 डेज स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू क्रैक योर यूजीसी नेट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब के बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर रहता है और जिसको जिसकी समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए यूजीसी नेट के लिए, आपको कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम देना इसको बहुत जरूरी है। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक यूजीसी नेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स लाइक because it is a big deal, right? So I will tell you how can you crack. So my name is Lakshmi Pandey. I qualified 3-time NET and JRF CTET as well, right? So आज हम लोग इसी सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम गणेश चतुर्थी की आप सभी को बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी गणेश चतुर्थी के लिए। I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यूजीसी नेट को क्रैक करने से पहले यानी यूजीसी नेट की स्टडी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज अ मेजर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ऐसा लगे कि ज्यादा ज्यादा फिलोसफिकल हो रही है यानी दार्शनिक हो रही है, लेकिन उस पे आपको नहीं जाना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट है जो हमें अपने माइंड में याद रखना है वो क्या है, थिंक पॉजिटिव। अब मैंने ऐसा क्यों कहा थिंक पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सोच। जैसी आपकी सोच होगी आपकी परिस्थितियां भी वैसी होंगी, तो इसीलिए अगर अच्छी परिस्थितियां चाहते हो तो अच्छी सोच रखो। इसीलिए इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट, सो आपको सबसे पहले माइंड में थिंक रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अभी वो कैसे, बहुत से लोगों को अभी आप पे यूट्यूब वीडियोस मिलने लगे होंगे कि 90 डेज में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने खुद से मन में ये सोच लिया कि 90 डेज में एग्जाम तो क्रैक नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्रैक नहीं होगा। बट अगर आपने ये बात सोची कि नहीं आई कैन डू इट, अगर मैं 90 डेज में एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ तो डेफिनेटली यू कैन, राइट? तो आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर निगेटिव सोचते रहोगे तो आपके साथ निगेटिव ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, एक्सपीरियंस गाइडेंस ओनली। आपको बहुत सारे लोग यूजीसी नेट के मिल जाएंगे जो कहते होंगे कि ऐसे पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, वो बुक्स पढ़ लो, तो आपको सबकी बातें नहीं सुननी है, आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों की बातें सुननी है, उन व्यक्तियों की बातें सुननी है जिनका खुद नेट जेआरएफ क्लियर हो, क्योंकि जिसका नेट जेआरएफ खुद से क्लियर नहीं है तो वो आपको कैसे देगा एडवाइस। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गाइडेंस का, जो आपको एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हो उसका ही गाइडेंस लेना है। तो ये हमारी जो दो मेजर चीजें हैं जिनका हमें याद रखना है, सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग, राइट? तो हमें क्या है, एक सकारात्मक सोच को लेकर चलना है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से निर्देशन लेना है यानी गाइडेंस लेना है। हर एरे गहरे व्यक्ति से हमें गाइडेंस नहीं लेनी है। एंड तो ये हमारा ये जो थर्ड है, स्टे अवे फ्रॉम योर डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे ज्यादा मेन है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये जो आजकल की जनरेशन है जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, इनका आधे से ज्यादा समय तो सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रोल करने में जाता है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, रील स्क्रोल करनी स्टॉप करनी है, क्योंकि अगर आप रील स्टॉप करोगे और अभी से टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो आप यूजीसी नेट का पेपर क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए अभी से इतना हार्ड वर्क करना है और तब तक हार्ड वर्क करना है जब तक आप अपने पेरेंट्स के सामने उनके हाथ पे जेआरएफ लेटर नहीं थमा देते।
राइट। तो सबसे पहले ये जो मेन हमारा है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम ये करेंगे कि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे कि सारी नोटिफिकेशन को ऑफ रखनी है और सिर्फ क्लासेस वाली नोटिफिकेशन को ऑन रखनी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितनी भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखनी है और बाकी ऑफ करनी है। और जब हम नोट्स पढ़ेंगे अपने, तो जब नोट्स पढ़ेंगे तो हमें अपने फोन को क्या करना है, दूर रखना है। तो सारी डिस्ट्रैक्शन, फोन कॉल, सारी चीजें बंद करके 90 दिन पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपका नेट JRF क्रैक नहीं होता है तो आप बताइए, फिर देखिएगा कि कैसे क्या होगा। अब हमारा जो तीसरी जो चीजें है, फोर्थ वन, दैट इज टाइम टेबल। यूजीसी नेट एग्जाम एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। दिन प्रतिदिन इसका कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है। पहले बच्चे बहुत कम पढ़ा करते थे, बट अभी आप देखोगे बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं। दिन प्रतिदिन कंपटीशन जो है कैसा होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। तो आपको बस यही करना है कि एक टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल फॉलो करने का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी का टाइम डिवाइड करना है कि कौन सी यूनिट कब पढ़ेंगे, कितना टाइम हम सेकेंड पेपर को देंगे, कितना टाइम हम फर्स्ट पेपर को देंगे। क्योंकि आपको क्या है, दोनों पेपर को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप सेकेंड पेपर पे ध्यान देंगे तो भी दिक्कत होगी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर पे ध्यान देंगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें क्या करना है, दोनों का लेवल मेंटेन करके चलना है। यही चीजें हमारे टाइम टेबल पे हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं ये आपके जीवन को बदल सकती है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, बल्कि एवरी पेपर या किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, UPSC हो, IAS हो, UGC नेट ज्योग्राफी हो, UGC नेट हिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये चार्ट फॉलो करना चाहिए। ये चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए। स्टार मार्क मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अपना ये जो चीजें हैं पर्सनल टाइम, जिसे हम पर्सनल टाइम क्या कह रहे हैं, रील स्क्रॉल करने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, लड़कियों के डांस देखने में, रील्स में हम बिजी रहते हैं। हालांकि वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, उन्हें इंस्टाग्राम पे और हर जगह देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइम टेबल फॉलो करेंगे। अब टाइम टेबल कैसे बनेगा, हमारे पास दिन में होते हैं 24 आवर, उसमें हमें क्या करना है, 8 आवर स्लीप लेनी है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोगे नहीं तो आप आगे की पढ़ाई कैसे करोगे। तो 8 आवर तो हमें सोना ही सोना है, यानी दिन में 8 घंटे से ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, 8 घंटे की हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, जो हमारी चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारा जो टाइम बचा ये क्या हुआ, पर्सनल टाइम। तो पर्सनल टाइम के लिए जो टाइम डिसाइड है वो 6 आवर। 6 आवर आपको मिल रहे हैं आपके पर्सनल टाइम के लिए, यानी आपके खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए। वैसे भी पेरेंट्स के बात करने के लिए तो गलत बोल दिया, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे भी पेरेंट्स से कहां ही बात करते होंगे, कभी पूछते भी नहीं होंगे कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो 6 आवर क्या हो गया, आपका पर्सनल टाइम हो गया। अब पर्सनल टाइम के अलावा आपको जो स्टडी के लिए जो टाइम देना है वो दैट इज 10 आवर स्टडी, यानी 10 घंटे दिन में आपको पढ़ना है। अब 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि सारा टाइम कॉपी लेके चलना है, 10 घंटे पढ़ने का मतलब ये है कि 3 आवर फर्स्ट पेपर पढ़ना है, ठीक है, एंड 4 आवर एजुकेशन पेपर 2 पढ़ना है। अब 3 आवर फर्स्ट पेपर पढ़ना है, 4 आवर एजुकेशन पेपर 2 पढ़ना है, एंड जो 3 आवर हमारा क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। अब रिविजन का मतलब ये कि जो आपके पास नोट्स हो उनको रिवाइज करिए, या फिर आपके पास जो
नोट्स हैं, आपने जो रिमाइंड कर रखा है, जो आपके माइंड में है, उसको क्या करो, धीरे 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 रिकॉल करो। किसी शांति वीर की जगह पे जाके बैठ के, कहीं बाहर चले जाओ, किसी अकेली जगह चले जाओ, और जो भी वीडियोस और जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उनको अपने माइंड में सोचो। एम आई राइट? सो यहाँ पे क्या करना है, 3 आवर आपको फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना है एंड 4 आवर आपको एजुकेशन पेपर पे ध्यान देना है। एजुकेशन पढ़ाऊंगी आपको मैं, यानी लक्ष्मी मैम। अब रही आपके फर्स्ट पेपर की बात, मेजरली लड़कियों की एजुकेशन सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो फर्स्ट पेपर होता है वो बहुत वीक होता है। फर्स्ट पेपर में भी जो सबसे ज्यादा उनका जो वीक पोर्शन होता है दैट इज डीआई, तो वो उनका क्या करती है, वो डीआई नहीं कर पाती है। आ जाओ, एडिट करवा देंगे। अच्छा ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सो मेजरली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है आर्ट या एजुकेशन जो फील्ड के होते हैं कि उनकी जो होती है डीआई बहुत ज्यादा वीक होती है, उनकी डीआई में उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डीआई के लिए आप सबसे ज्यादा जो फॉलो कर सकते हैं वो है शुभम सर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे शुभम सर अपनी यूनिवर्सिटी, तो आपको उसमें मिल जाएगा। अब रही बात आपकी जो अदर यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन, इसके लिए आपके पास जो सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज शिव सर। अब आपकी बात आ गई 4 आवर यानी एजुकेशन पेपर 2 की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब ये आपके जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें ओवरऑल जो यूनिट है वो है 10 यूनिट। अब 10 यूनिट में आप देखिए जो पहली यूनिट है हमारी वो बिलोंग करते हैं किससे, एजुकेशनल स्टडीज से। इसके अंतर्गत आ जाता है आपका सारे दार्शनिक आ जाते हैं, भारतीय दार्शनिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आ जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफर, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जो वेस्टर्न वाले में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी जो ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं दैट इज पाउलो फ्रेरे। तो हमें पाउलो फ्रेरे और मैरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट को तो भूलना ही नहीं है। और हमारे ये जो नेक्स्ट हो गया आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म एंड आदर्शवाद जो हो गया हमारा, प्रगतिवाद हो गया, और आपका क्या होता है सावित्री बाई फूले हो गई, ये सारी जो चीजें हमारी पार्ट किसकी, एजुकेशनल स्टडीज की है। आप जिस जिस स्लाइड में देखो ये रेड कलर का मेंशन है, जिस स्लाइड में ये जो रेड कलर का मेंशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो पूरी 10 यूनिट्स है, बट अभी हमें जो चीज पढ़नी है जिसकी शुरुआत हम करेंगे वो जो आपको ये रेड यूनिट्स में दिख रही हैं, इसकी हम शुरुआत करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट बिलोंग करती है वो है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान देंगे तो ये जो आपका जो सबसे इसका हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का जो ये जो सब यूनिट है जिसे हम कहते हैं सब यूनिट, यानी इसके अंदर के जो पार्ट है उसमें काफी सारे सन है, जैसे कि यशपाल कमेटी कब बनी, एनसीईआरटी कब बनी, राइट, एंड एनईआईपीए कब आया, कब नाम चेंज हुआ, यूजीसी कब बनी। तो ये आपका जब आप ये वाला पोर्शन अगर कंप्लीट करोगे तो ये सिर्फ आपको
फर्स्ट पेपर में भी काम करेगा, सेकंड पेपर में तो काम करेगा ही और फर्स्ट पेपर में भी काम करेगा। और हर बार इस यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एवरी ईयर आपको पूछा जाता है मैचिंग वाले कॉलम में कि कौन सी कमेटी कब डेवलप हुई, राइट। अब जो हमारा जो तीसरा है वो है क्या, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में आपके जो आता है पावलाव आ गए, थार्नडाइक आ गए, टॉलमैन आ गए, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत हो गया और आपका पावलाव का सिद्धांत हो गया, और इसके आप सब यूनिट की बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गए। तो ये आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको तो आप डबल ट्रिपल स्टार मार के रख लीजिए, राइट। पेपर कहीं बाहर से नहीं आता है, बच्चे कह देते हैं आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पेपर सिलेबस से ही आता है, बस ये बात है कि आप अच्छे से सिलेबस पढ़ते ही कहां हो, ठीक है। सो अब हमारा जो टीचर एजुकेशन का फोर्थ यूनिट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टीचर एजुकेशन आपको बनना क्या है, एक टीचर बनना है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपकी क्लासेस में बनते ही है। अब हमारा जो फिफ्थ यूनिट है करिकुलम स्टडी, यानी करिकुलम कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है और करिकुलम बनाते कौन कौन है, कैसे बनता है, कौन कौन सी कमेटीज डेवलप करती हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो आता है। अब हमारा सिक्स्थ वन इज दैट रिसर्च एंड एजुकेशन इन एजुकेशन। इसमें मैं जितने कम जितने ज्यादा चाहूं उतने स्टार मार्क लगा दूं। अब स्टार मार्क इतने क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि रिसर्च इन एजुकेशन ये आपके फर्स्ट पेपर में तो काम आता ही है, प्लस सेकंड पेपर में भी बहुत काम आता है। अब रिसर्च इन एजुकेशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे जाके आपको पीएचडी करनी है यानी रिसर्च करना है, तो जब आपको करनी रिसर्च है तो आप रिसर्च छोड़ के कैसे जा सकते हो। मेजरली इसमें आप देखिए वैज्ञानिक सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और हमारी फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये हमारे पार्ट है। वेरिएबल्स, हाइपोथीसिस, नल हाइपोथीसिस क्या होती है, डायरेक्शनल हाइपोथीसिस क्या होती है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी एरर होती है, टाइप वन एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, कम से कम नहीं तो न जाने कितनी बार पूछा गया होगा टाइप वन एरर क्या होती है, टाइप टू एरर क्या होती है, बट स्टिल बच्चे क्या करते हैं, उसको गलत करके चले आते हैं। अब हमारा जो सेकेंड थर्ड हुआ पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट। अब पेडागॉजी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू टीच चिल्ड्रन, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। एंड्रोगॉजी यानी बड़े जो होते हैं, जो बच्चे नहीं रह रहे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए। अब असेसमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इसको डीप पढ़ेंगे। मेजरली आपका एजुकेशन सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब आप पढ़ते हो तो वो सिर्फ आपको सेकेंड पेपर के लिए नहीं, फर्स्ट पेपर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सारी की जो सारी यूनिट है रिलेटेड होती है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से। इसी में आपकी आ जाती है ब्लूम की टेक्सोनॉमी, राइट। अब हमारा ये जो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आजकल तो जमाना भी टेक्नोलॉजी का है तो इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी पूछा जाता है, जिसपे देखो मैंने रेड मार्क कर रखा है, दैट इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अब ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड है, यानी स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड है। तो स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनका क्लासरूम कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, ये हमारी जो चीजें ऐसी होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बना है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, इसमें ही हमारा आता है विंस्लो टेलर का सिद्धांत। विंस्लो टेलर का सिद्धांत, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही थी जो आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो विंस्लो टेलर जी ने क्या कहा था, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क,
ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना है, ये हमारा विंसलो टेलर का भी सिद्धांत है। देखिए आपको सिलेबस और मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, बट स्टिल देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया गया जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आप पढ़ेंगे कैसे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। तो मेजरली बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बुक्स लाते हैं या मॉक टेस्ट ले लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और आप क्या करोगे, कॉपी पी वाई क्यू सॉल्व करोगे, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन को क्या करोगे, रटोगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको करना है सबसे पहले अपने टॉपिक को, यानी जो भी आपका टॉपिक है उसको क्या करना है, उसके वीडियोस देखने हैं, उसको बुक्स से स्टडीज करना है, उसके नोट्स पढ़ने हैं, उसकी क्लासेस अरेंज करनी है, राइट। अब क्या है, जब सारे नोट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्या हमें करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, पी वाई क्यू उसको सॉल्व करना है। अब दोनों को करने के बाद सब इसका तो भूलना ही नहीं है, अगर आप अपनी पुरानी चीजों को रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम जो आपके पास मैटर दिया गया है वो तो अच्छे से क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे हैं, मैम डेली पढ़ा दो, डेली पढ़ा दो, डेली पढ़ा दो, अरे जो पढ़ा है उसको तो पहले अच्छे से पढ़ लो। तो रिवीजन जो है वो क्या है, मस्त है। ऐसा पढ़ो कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार अच्छे से, वीडियो पढ़ लो, फिर सेकेंड टाइम क्या करो, जो आपने रिटन नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ो, फिर थर्ड टाइम, यानी थ्री टाइम क्या करना है आपको पढ़ना है। एक्चुअली आप ज्यादा भी कर लोगे बट कम से कम थ्री टाइम तो आपको पढ़ के जाना है। क्यों, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज थ्री टाइम्स पढ़ लेते हो तो फिर जब आप कभी भी उसके बारे में सोचोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। आपके थोड़ा सा जोर डालने पर या आपके जरा सा सामने क्वेश्चन आने पर आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब हमारा क्या आ गया है, मॉक टेस्ट विद टाइमर। अभी मैंने इसको मॉक टेस्ट विद टाइमर क्या लिखा, क्यों लिखा हुआ है? अब देखो, ज्यादातर जो बच्चे मेजरली मिस्टेक करते हैं उनकी मिस्टेक ये होती है कि सुबह उन्होंने पता चला मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट पेपर कर लिया, अब इवनिंग टाइम में सेकेंड पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि सेकेंड पेपर कर रहे हैं आप सुबह पर फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, यानी ब्रेक में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप हफ्ते में भले ही वन वीक में वन टेस्ट दो, लेकिन जब भी टेस्ट देने बैठो तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों का साथ में दो, और वो भी जब तक तीन घंटे नहीं हो जाते उठना नहीं है। ये मान के आप सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और कुछ भी हो जाए, अगर बाहर तूफान भी आ जाए तो क्या करना है, आपको उठना नहीं है, आपको अपना फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर 3 आवर के बाद ही उठना है। अगर बहुत से बच्चे जो पेपर जल्दी कर लेते हैं तो उनको ये देखनी है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। हम लोगों ने सब पे तो चर्चा कर ली, बट अगर एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें या हर सब्जेक्ट की बात करें जिसपे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन। हमारे पेपर में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, और वो पूरे के पूरे कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। हमारे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, यानी 2 पैसेज आता है, ठीक है, और वो पूरे पूरे वो कॉम्प्रिहेंशन कितने पेज नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस तो हम करते ही नहीं है, इसको ले लेते हैं हाँ कर लेंगे, और ये पूरे पूरे आपको मार्क्स दिला सकता है अगर आपने सही से पढ़ा। तो हमें क्या करना है, डेली एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, यानी 2 कॉम्प्रिहेंशन हमको डेली सॉल्व करने हैं। और जो मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक हुई, उसको जाके हमें क्या करना है, पहले जाना है और पैसेज पढ़ना है, जब लास्ट में पेपर सॉल्व हो जाए कि हमने यहां पे क्या मिस्टेक की थी। ओके, अब ये मेरी क्लासेस का टाइम है कि अब कौन सी क्लासेस कहां पे होगी।
ऐसे दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो आपने मेंटोर के साथ प्रिपेयर करते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस होती है 3 PM पे, वो क्या करते हैं सेल्फ स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ के यूट्यूब पे 3 PM पे, और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। अभी बात आई 1 PM पे, ये हमारी जो क्लासेस होती है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पे होती है। इसमें क्या करना है आपको, पहले अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है और उस पे क्या करनी है 1 बजे क्लासेस ऐप पे लेनी है। अब ये संडे को आपको यानी 3 बजे संडे को आपको क्या 3 बजे आपकी क्या होंगी क्लासेस स्टार्ट होंगी। लेकिन कैसे स्टार्ट होंगी और क्या कराएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने 3 PM को यूट्यूब क्लासेस पे यानी या और 1 PM को क्लास अपनी यूनिवर्सिटी पे कराया होगा, उसके सारे PYQ हम किसमें सॉल्व करेंगे, अपनी संडे की क्लास को 3 बजे करेंगे। ओके, लास्ट में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को बहुत मन लगा करके पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। इट डजंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट। हमेशा सब लोग कहते रहते हैं कि हमेशा बिग ड्रीम देखो, बिग ड्रीम देखो, तो सिर्फ और सिर्फ बिग ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसी से एक बात याद आ गई कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो मेहनत करते हैं या फिर बड़े बड़े सपने देखते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। इसीलिए आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक आपके हाथ में आपका JRF लेटर नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी क्लास सही लगे तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होना है 3 PM पे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐप पे तो आपको 2 डेमो सेशन फ्री है। ओके, थैंक यू सो मच।